Hey guys, what's up? कैसे हो? I hope सभी बढ़िया होंगे. Welcome back to my channel GY Dates. आज मैं आपके लिए मस्त सा ट्यूटोरियल लेके आ चुका हूँ फेक लव फोटो एडिटिंग. अब अगर अभी तक आपने हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए. चलो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं. पहले जाएंगे हम ये बैकग्राउंड ले लेंगे और जितने भी MPNGs यूज़ करेंगे इस वीडियो में उन सभी का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा लिंक. चलो स्टार्ट करते हैं. पहले बैकग्राउंड ले लेंगे. बैकग्राउंड लेने के बाद फिर एक मॉडल PNG ले लेंगे जिसका मैंने पहले से बैकग्राउंड रिमूव कर रखा है. इसको लेने के बाद फिर कर देंगे राइट क्लिक. राइट क्लिक करने के बाद फिर जाएंगे हम ऐड फोटो में. फिर हम ले लेंगे ब्लड PNG ले लेंगे. ब्लड PNG को लेने के बाद यहाँ पे अच्छे तरीके से इसको पहले सेट कर लेंगे. सेट करने के बाद फिर कर देंगे राइट क्लिक. राइट क्लिक करने के बाद फिर लेंगे हम रोज PNG. इसको फिर जाएंगे रोटेट में. फिर रोटेट कर देंगे. फिर इसको यहाँ पे अच्छे तरीके से सेट कर लेंगे. सेट करने के बाद फिर जाएंगे इरेजर टूल पे. फिर इसको यहाँ से हल्का हल्का इरेज कर देंगे ताकि इसमें मैच हो जाए ब्लड. फिर कर देंगे राइट क्लिक. फिर से एक बार और राइट क्लिक कर देंगे. फिर जाएंगे फिर चैट फोटो में. फिर एक फ्लेम फायर PNG लेंगे. फिर इसको यहाँ पे अच्छे तरीके से सेट कर लेंगे. सेट करने के बाद फिर कर देंगे राइट क्लिक. राइट क्लिक करने के बाद फिर से ऐड फोटो में जाएंगे. फिर ले लेंगे हम डस्ट PNG. एक यहाँ पे लगा देंगे इसको. फिर जाएंगे एडजस्ट में. फिर इसको डार्क कर देंगे. फिर राइट क्लिक. फिर इसे कई डुप्लीकेट ले लेंगे. एक इसको यहाँ पे लगा देंगे. फिर कर देंगे राइट क्लिक. फिर से एक और डस्ट PNG ले लेंगे. इसको यहाँ पे अच्छे तरीके से सेट कर लेंगे. फिर इरेजर टूल पे जाएंगे. फिर इसको यहाँ से इरेज कर देंगे. और यहाँ से भी इरेज कर देंगे हल्का सा फेस पे कितना चाहिए डस्ट. फिर इसको यहाँ पे एडजस्ट में जाके थोड़ा सा हाई कर देंगे. फिर राइट क्लिक कर देंगे. फिर से एक बार और राइट क्लिक कर देंगे. फिर जाएंगे हम ऐड फोटो में. फिर ले लेंगे हम लव PNG. लव टेक्स्ट PNG ले लेंगे. इसको लेने के बाद यहाँ पर अच्छे तरीके से इसको सेट कर लेंगे. सेट करने के बाद फिर जाएंगे हम ब्लेंड में. ब्लेंड में फिर इसको मल्टीप्लाई पे कर देंगे. मल्टीप्लाई पे फिर इरेजर टूल पे जाएंगे. फिर इन लाइनिंग को इरेज कर देंगे पहले जूम आउट करके. इसको अच्छे तरीके से पहले इरेज कर लेते हैं हम. ये देखो हो चुका है बस. इसको इरेज करने के बाद फिर राइट क्लिक कर देंगे. फिर जाएंगे हम एडजस्ट में. फिर ब्राइटनेस को -28 तक कर देंगे. फिर राइट क्लिक कर देंगे. राइट क्लिक करने के बाद फिर से ऐड फोटो में जाएंगे. फिर लेंगे हम डस्ट PNG. फिर से एक बार फिर इसको यहाँ पे हल्का से लगा देंगे और थोड़े से इसको कम कर देंगे. फिर इसे का डुप्लीकेट लेंगे और एक यहाँ पे लगा देंगे ताकि ये लगे बिल्कुल रियल लगने लगे. ताकि हमारे शर्ट पे भी थोड़ी धूल होनी चाहिए ना. बैकग्राउंड के पीछे भी है तो हमारे आगे भी थोड़ी मैचिंग हो जाए. इसलिए इसका PNG लेके इसको यहाँ पे सेट कर लेंगे. फिर इसको इरेजर टूल पे जाएंगे. इसको यहाँ से इरेज कर देंगे. फिर राइट क्लिक. फिर से बार राइट क्लिक कर देंगे. राइट क्लिक करने के बाद फिर ऐड फोटो पे जाएंगे. ऐड फोटो पे जाने के बाद फिर लेंगे हम ये PNG ले लेंगे. उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. ये देखो बिल्कुल रियल लग रहा है. फिर राइट क्लिक कर देंगे. फिर जाएंगे फिर चैट फोटो में. फिर एक और PNG ले लेंगे. इसको लेने के बाद फिर जाएंगे इसको ले लेते हैं. फिर इसको सेट कर लेंगे अपनी गर्दन पे. गर्दन पे करने के बाद फिर ब्लेंड में जाएंगे. फिर मल्टीप्लाई पे डार्क पे कर देंगे. फिर इरेजर टूल पे जाएंगे. फिर इसे साइड साइड से इसको इरेज कर देंगे. फिर इसे को यहीं पे रहने देंगे. और फिर ओपेसिटी को थोड़ा सा कम कर देंगे. अरे ब्लेंड में डार्क पे. फिर कर देंगे राइट क्लिक. राइट क्लिक करने के बाद अब हमारे पिक्स आर्ट का काम पूरा हो चुका है. फिर हम जाएंगे ड्रा टूल्स में. पहले इमेज को सेव कर लेंगे. सेव करने के बाद अब हम लाइट रूम ऐप को ओपन करेंगे. लाइट रूम ऐप ओपन हो चुकी है. ऐड फोटो पे जाएंगे. ऐड फोटो पे जाने के बाद फिर पहले फोटो को ऐड कर लेंगे. अरे चल जा यार. अगर अब आपने अभी तक इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं फॉलो कर लीजिए. फेसबुक पर भी पेज को लाइक कर दीजिए. उन सभी का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा.
और वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक कर देना एंड सब्सक्राइब भी कर देना। फिर ऐड फोटो करने के बाद फिर कॉन्ट्रास्ट को हाई रखेंगे, एक्सपोजर को थोड़ा सा बढ़ा देंगे और हाईलाइट को कम, शैडो को भी कम कर देंगे, वाइटनेस को थोड़ा सा बढ़ा देंगे और ब्लैक्स को थोड़ा सा कम करेंगे। फिर जाएंगे क्लैरिटी को बढ़ा देंगे थोड़ा सा 9 तक, डीएस को थोड़ा सा बढ़ा देंगे हल्का सा, और पिगनेट को बढ़ा देंगे -24, मिड पॉइंट को भी बढ़ा देंगे ताकि बैकग्राउंड हमारा डार्क लगे, अच्छा एकदम मौसम पिक बन जाए। फेदर को भी थोड़ा सा बढ़ा देंगे, राउंडनेस को थोड़ा सा बढ़ा देंगे एंड हाईलाइट को बढ़ा देंगे और ग्रेन अमाउंट को भी बढ़ा देंगे। फिर जाएंगे हम शार्प नेम, जो भी हमारे फोटो में शार्प हो जाएगी इससे, शार्प नेम को बढ़ाने से नॉइज रिडक्शन, जो भी हमारे फोटो में नॉइज है उसको क्लीन कर देगी इस नॉइज रिडक्शन। फिर जाएंगे रिमूव क्रोमेटिक एग्रेशन को ऑन कर देंगे। ऑन करने के बाद अब देखो यार हमारी कितनी ओजन लग रही है यार, बिल्कुल मस्त लग रही है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना भूलिएगा ही मत एंड सब्सक्राइब तो कर ही देना एंड इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिए। थैंक यू।